Hello everyone. Today in this video we will study about the advantages and disadvantages of statistical quality control. So earlier we have studied about the quality control and we have studied its chance causes and assignable causes, and now we will study its advantages and disadvantages. So jinke paas applied स्टैटिस्टिक ऑफ गुप्ता एंड कपूर की बुक है वो उसको फॉलो कर सकते हैं. उसमें आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे. एडवांटेजेस आपको पेज नंबर 1.5 पे मिलेंगे. 1.5 पे आपको मिलेगा बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. सो आप उसको बेनिफिट्स कह लो या फिर अगर यूजेस भी पूछे जाएं तो भी आप उसमें ये डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो. सो देखिए एडवांटेजेस में आपको इसमें बताया गया है कि एसक्यूसी का जो मेन एडवांटेज होता है क्या होता है. अब आपको पता है कि एसक्यूसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. सो ये एक इस तरह का एप्लीकेशन है जो कि आपके प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है और उसको इम्प्रूव करता है. एंड जो आपकी प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी लेवल है उसको क्या करता है, वो इन्हांस कर देता है और बढ़ा देता है. सो यहां पर देखिए इसमें आपको 10 पॉइंट्स दिखेंगे बेनिफिट्स में. सो आप लोग 7 to 8 भी अगर लर्न कर लेते हो तो वो एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशियंट है. सो नेक्स्ट देखिए क्या है. स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमको ये बताता है कि जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्शन का उसको कहाँ पे हमें स्टॉप करना है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रूट आउट करना है और किस जगह पे हमें अपने प्रोसेस को ऐसे ही छोड़ देना है. बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल से हमको ये पता रहता है कि हमारे प्रोसेस में डिफेक्टिव आइटम्स कब बन रहे हैं और कब नहीं बन रहे हैं. जब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो हम उसी जगह पे उस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं. देन हम अपने प्रोसेस को अगेन जैसे हमें करना है उस तरह से उसको फॉर्मेट करते हैं, फिर से हम अपने प्रोसेस को रिपीट करते हैं. सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें यही लिखा हुआ है कि हमारा प्रोसेस अगर कंट्रोल में है उसके बावजूद भी हमको अपना जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है उस तरह से हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो हम अपने प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत फंडामेंटल चेंजेस कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या एडवांटेजेस है इसके. एक ये है कि देखिए अगर आपका प्रोडक्शन है, आपने कोई भी फॉर्म डाल रखी है और आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जो कि एक डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है, लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे आपने एक क्रैकर की इंडस्ट्री डाल रखी है या फिर आपकी एक चौक की इंडस्ट्री है, तो अगर आपकी चौक की इंडस्ट्री है तो आप उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि मतलब क्या है. ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर एक्सप्लोसिव की है आपकी, है ना, तो आप लोग इन सब में क्या होगा, अगर आपको देखिए श्योरिटी है, आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस आपने अप्लाई किया हुआ है और वो आपको बता रहा है कि इतने परसेंट आपका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में चल रहा है ना. क्योंकि देखिए अगर आपकी इस तरह की आपने कोई इंडस्ट्री डाल रखी है, कोई आपकी फैक्ट्री है और इस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, तो हर प्रोडक्ट को आप लोग टेस्ट करके नहीं देख सकते हो. बिकॉज आप हर प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट आपके टेस्ट करते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो अगर आपको एक प्रोसेस ऐसा है जो कि श्योरिटी दे रहा है कि आप फुली श्योर इतने परसेंट है कि आपके अगर 5% डिफेक्ट आ रहे हैं तो 95% आपके प्रोडक्ट सही आएंगे, तो आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हो. अब देखिए नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो क्वालिटी है बिल्कुल वो उसको क्या करता है, बिल्कुल जो भी अश्योरेंस होता है उसको फिक्स कर देता है और आपको बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट लगती है और उसमें आपके जो रिजल्ट है ये आपको क्या करता है, बहुत बेटर रिजल्ट देता है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये खाली प्रोडक्शन में ही यूज नहीं होता है, ये आपके डिफरेंट स्ट्रीम में भी यूज होता है. लाइक आपकी पैकेजिंग हो गई, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज हो गया, ठीक है, रिकवरी हो गया या फिर एडवर्टाइजिंग हो गया, तो इन सब में भी क्वालिटी कंट्रोल का यूज होता है, है ना. हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज ना करते हो. सो लास्ट एडवांटेज इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमारे टाइम को भी बचाता है, मटीरियल को भी वेस्ट होने से बचाता है, है ना. देखिए आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका प्रोसेस कंट्रोल में चल रहा है, तो इससे आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपका क्या है, मटेरियल भी सेव रहेगा आपको, बिकॉज फुल श्योरिटी है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी वेस्ट नहीं होगा. एंड इफ अगर आपका प्रोसेस है वो आगे जाके खराब होने वाला है तो ऑलरेडी इस प्रोसेस से एसक्यूसी से हमें पता चल जाता है कि आगे जाके प्रोसेस खराब होने वाला है, तो हम लोग उससे पहले ही उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और उन ये जो सिस्टम है उसको चेंज कर देते हैं, फिर अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं. सो ये हो गए कुछ इसके बेनिफिट्स. अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं जो कि आपको गुप्ता एंड कपूर में नहीं मिलेंगे.
देखिए इसके डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर कोई फर्म चला रहे हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो वहां पे इंडिविजुअल्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, इस प्रोसेस को संभाल रहे होंगे। तो हर एक इंसान जो है, हर एक इंडिविजुअल खुद से जिम्मेदारी नहीं लेगा कि वो अपने काम को बेटर करे। देखिए 100 में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, अगर हम 100 में देखें, कि जो फुल मतलब जिम्मेदारी लेंगे कि आपका जो वर्क हम कर रहे हैं वो हम आपको 100% दें और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। बिकॉज आजकल क्या होता है, लोग बस काम करते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, बस करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, बिल्कुल ऊपर से काम करते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि बस काम जल्दी खत्म हो, हमें हमारा पैसा मिले और हम जाएं, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम ये जो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिविजुअल जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनको उस तरह से हम इनकरेज नहीं कर सकते हैं कि वो फुल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कि वो पूरा जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसेस। सो सेकेंड एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है, तो प्रोडक्ट्स जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। अब जो देखिए, जो जिनकी फर्म है, जिनकी कंपनी है, उन्होंने तो अपना पूरा कॉस्ट लगाया है एक प्रोडक्ट को बनाने में। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने आईफोन की बात करी और आईफोन प्रोडक्ट हमने फोन पे क्या करा है, जो कंपनी है उसने पूरा पैसा लगाया है, बट अगर 100 प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें से एक आईफोन भी डिफेक्टिव निकल गया, तो आपको आईफोन की कॉस्ट आप जानते हैं, ठीक है, तो कंपनी ने तो उस पर पूरा पैसा लगाया है उसकी कॉस्ट पे, और वो चीज इफेक्टिव निकल गई, तो क्या होगा, कंपनी का ऑब्वियसली इसमें लॉस होगा ही होगा। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपना जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट होता है उसको दोबारा से रिवर्क कर देती हैं, है ना, मतलब कि दोबारा से उसको भेज देती हैं, जो भी उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसमें रिमूव कर दी जाती है और अगेन उसको सेल के लिए भेज दिया जाता है। बट कुछ कंपनी ऐसी भी होती है, उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उसको वो बिल्कुल कूड़े में ही फेंक देती है, कि उसको दोबारा, बिकॉज उस पर अगर दोबारा वो पैसा लगाएंगे तो वो उनके ऊपर और ज्यादा कॉस्ट करेगा, है ना, तो उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कंपनी देखिए, कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप रिजेक्टेड कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप सेल करें, बिकॉज इस तरह के सब स्टैंडर्ड लेवल के प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे तो इसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है और वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स के नाम आपने मार्केट में सुने होंगे जो कि कितने फेमस थे और अचानक से उनके नाम क्या होते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनके प्रोडक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट निकल आता है। ओके, सो आई होप कि आपको क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ इसके बाद मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच एंड बेनिफिट के। सो जिनके पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक ऑफ गुप्ता एंड कपूर है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो इससे पढ़ सकते हैं। सो अगर आप ये चार्ट लर्न कर लोगे तो आपको ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो हमारा इसका क्वालिटी कंट्रोल का अप्रोच है तो वो क्या है और इसके बेनिफिट है इसमें वो बताए हुए हैं। ये कहता है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिजाइन। जैसे कि आप जानते हैं SQC हमें हेल्प करता है इम्प्रूव करने में हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसके डिजाइन में। रिड्यूस इन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लॉसेस, तो जो भी हमारे लॉसेस होने होते हैं और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस इन स्क्रैप, सो जो भी हमारा पहले डिफेक्टिव आइटम्स निकल रहा होता है या हमारी जो मशीन है वो प्रोड्यूस कर रही होती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाता है। एक्सेस यूज ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल का भी एक्सेस यूज होता है, अगर आपकी मशीन खराब है या फिर आपके जो लेबर्स हैं, स्टाफ है, वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर उनका वो बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं अपने काम को, तो इसकी वजह से आपका मटेरियल का भी यूज ज्यादा हो जाता है तो उसमें भी रिडक्शन हो जाता है। रिड्यूसिंग प्रोडक्शन बॉटलनेक, बॉटलनेक का मीनिंग ये होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है ये एक चेन फॉर्म में होता है और लगातार आपका प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। सो बॉटलनेक को यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिमूव प्रोडक्शन बॉटलनेक। तो बॉटलनेक एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है। सो उस चीज को भी ये क्या करता है, रिमूव करता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ साइंटिफिक टॉलरेंस, सो साइंटिफिक टॉलरेंस को भी ये इवैल्यूएट करता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मॉरल, तो एम्प्लॉयज के मॉरल को भी इम्प्रूव करता है। मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग इफिशियंसी, ठीक है, तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी जो है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड ये क्वालिटी कॉन्शियसनेस, ऑब्वियसली क्वालिटी पे ही ये फोकस करता है। एंड ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए ही वर्क करता है, तो कस्टमर्स का ग्रेट सेटिस्फेक्शन रहता है उन प्रोडक्ट से जिनको हम लोग अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में प्रोड्यूस करते हैं। सो यहां से फिर एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, इनहांस प्रोडक्टिविटी, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है। सो आज का वीडियो मैं यही भी खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ये टेक्निक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जो कि है प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।